नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विशाल सिन्हा है और मैं एक मनोचिकित्सक हूँ। आज हम आपके सामने एक और मानसिक रोग की जानकारी के को लेकर आपके सामने आए, और उस मानसिक रोग का नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि ओसीडी। ओसीडी बहुत ही कॉमन साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुन रखा है, बहुत सारे लोग इसको शॉर्ट फॉर्म जैसे कि मैंने कहा ओसीडी के नाम से जानते हैं। एक प्रकार का मस्तिष्क विकार है जिसमें व्यक्ति की जो विचार है वो उसकी अधीन नहीं होते, और एक ही विचार या कह सकते हैं विचार भी हो सकता है या कोई इमेजेस भी हो सकती हैं या कोई इम्पल्स भी हो सकता है जो व्यक्ति की चाह के विरुद्ध बार 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 उसके मस्तिष्क में आता है। और ये जो विचार है या जो इमेज है या जो इम्पल्स है ये व्यक्ति को व्यक्ति के लिए एक विकट स्थिति उत्पन्न करती है और उसके अंदर एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी, रेस्टलेसनेस, इन सारी चीजों की के सिम्टम्स आने लगते हैं। और इन सब विकारों से बचने के लिए व्यक्ति ऑब्सेशन के विरुद्ध कुछ कार्य, वो कार्य शारीरिक रूप से भी हो सकते हैं, मानसिक रूप से भी हो सकते हैं, उनको करने के लिए बाध्य हो जाता है, जिनको कि हम कंपल्शन बोलते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर इस बीमारी का नाम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर पड़ा हुआ है। और यदि हम आम भाषा में बात करने की कोशिश करें तो ये हमने देखा होगा कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, बार बार हाथ धोते हैं, नहाने धोने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, जरा सा भी बाहर जाते हैं तुरंत हाथ धोते हैं, दूसरे लोगों को भी बार बार साफ सफाई करने के लिए, यानी कि उनके मन में गंदगी का जो विचार है कि वो गंदे हो गए हैं या उन्होंने गंदी चीज को छू लिया है, ये विचार बार 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 आता है। ये विचार बार बार आने की वजह से उनके मन में घबराहट, बेचैनी उत्पन्न होती है, और इसे दूर करने के लिए वो बार बार साफ सफाई में इन्वॉल्व होते हैं। कई लोग ऐसे देखे होंगे जो जिनके मन में वहम बना रहता है, वहम जैसे कि हमने लाइट बंद करी है कि नहीं बंद करी है, ताला ढंग से लगा है कि नहीं लगा है, या हमने पैसे ढंग से गिन के दिए नहीं दिए, इसीलिए वो विचार ये वहम बार बार मन में आता है। और उसको दूर करने के लिए लोगों को कई बार पैसे गिनने पड़ते हैं या लाइट ताला बार 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 चेक करना पड़ता है। ये तो ये प्रकार ये जो परेशानियां हैं ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर में आती है। तो ये हो गई जो बार बार विचार आते हैं। कई बार ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में या ओसीडी में सिर्फ विचार नहीं आते, रिपीटिशन होता है चीजों का, जो ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है कि ऐसे बच्चे जो है एक ही कार्य को बार 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 करते रहते हैं, उनको गिनतियां आती रहती हैं, एक ही गिनती को एक निश्चित अवधि तक वो बार 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 पढ़ते हैं। तो या और कोई अन्य कार्य है जैसे विशेष चलने का तरीका, चार कदम आगे दो कदम पीछे, या चीजों को बहुत व्यवस्थित रखने का जो विचार है या जो सलीका है वो भी बच्चों में अक्सर देखने को मिलता है, ये भी ओसीडी का ही एक लक्षण या शुरुआती चीज हो सकती है। तो यदि आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें इस प्रकार की कोई क्रिया आपने को देखने को मिल रही है और व्यक्ति का जीवन इन रिपीटेटेड क्रियाओं से प्रभावित हो रहा है, नेगेटिवली प्रभावित हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे मनोचिकित्सक की जरूरत है। तो आइए हम सब मिलकर मनोरोगों के बारे में जो लोगों के मन में दुर्भावनाएं हैं या जो गलत भ्रांतियां उनको दूर करें और लोगों को जागरूक करें ताकि एक लेकर स्वस्थ जीवन सभी व्यक्ति जी सकें और एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना हम कर सकें। धन्यवाद।